ये कोई बात नहीं, वो भीमताल वाला दूसरा ही है। फिर भाई साहब वहां मैं जा बैठा, और जाने के बाद जब वहां मैं गया, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है सुसाइड, हल्ला करके सुनो पहले। अच्छा पहले तुम ही हल्ला कर लो, फिर बताऊंगा मैं। तुमने मास्टर वाली बात कही ना, इनको याद आ गए अपने दिन, हल्ला करते रहते। तो ऐसा हुआ भाई साहब, सुसाइड पॉइंट पे हम जैसे ही गए तो एक सुंदर सी लड़की दौड़ दौड़ के जा रही थी। मैं समझ गया पूरी बात सुन लो यार, लास्ट में हल्ला मचा देना। मैं समझ गया ये मरने ही जा रही है। मैंने उसके पीछे दौड़ लगाई, इससे पहले कि वो छलांग मारती मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने मरने से बचा दिया। मैं वापस लाया उसको, मैंने कहा यार एक बात बता, तू इतनी अच्छी लड़की है, मरना ही चाहती है तो मरने से पहले एक किसी दे दे यार। और भाई साहब उसने मेरे को बड़ा, थोड़ा चुप हो जाओ ना, पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो, बीच में हल्ला। उसने मेरे को भाई साहब इतना अच्छा किस किया, मजा आ गया। उसके बाद सुनो, जब मैंने पूछा, मैंने कहा यार तू इतना अच्छा किस देती है, तू मर क्यों रही है, तेरे से तो कोई भी शादी कर लेगा। बोलती है भाई साहब मैं क्या बताऊं, मेरे घर वालों को किसी को भी पशुओं के कपड़े पहनूं। अभी किसी किसी को तो कल समझ में आएगी। उसके बाद आ गई और भाई साहब ये जो माइक वाले भाई साहब हैं, रात भर हेलो चेक में ही लगे रहते हैं। और शादी के पहले दिन जब भाई साहब गए तो वहां भी हेलो चेक। और इनकी मोहतरमा बोली अबे साले चेक ही करते रहेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। अब मैं तुम्हें बात करता हूं, अभी कब की शादी है भाई साहब? नवंबर से चल रही है। नवंबर तक शादी के मिठाई का ऑर्डर दिया, आजकल टेक्निकल हो गया मिठाई का ऑर्डर देना भी। हमने जैसे ही गगन स्वीट हाउस में फोन किया, वहां से एक बड़ी सुंदर आवाज आई, गगन स्वीट हाउस में आपका स्वागत है। ध्यान से सुन लो यार, पहले मिठाई के लिए एक दबाए, जलेबी के लिए दो दबाए, और गुलाब जामुन के लिए तीन दबाए। अब भाई साहब मेरे को तो मिठाई चाहिए थी, तो मैंने एक का बटन दबा दिया, वहां से फिर आवाज आई, लड्डू के सफेद रसगुल्ले के लिए दो दबाए, और लड्डू के लिए तीन दबाए। मैंने फिर एक का बटन दबा दिया, वहां से फिर आवाज आई, 1 किलो के लिए एक दबाए, 10 किलो के लिए दो दबाए, और 100 किलो के लिए तीन दबाए। अब भाई साहब इस समय गड़बड़ हो गई, मैंने एक दबाना था, तीन दबा दिया और 100 किलो का ऑर्डर पास हो गया। अब मैंने कहा यार ढिल्लों की शादी थोड़ी है जो 100 किलो लड्डू खपेगा। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद वहां से फोन आया, बोलते हैं अभी आपने ऑर्डर 100 किलो लड्डू का दिया था, कहां पहुंचाना है। मैंने कहा अब तू सुन, हमारे घर में 16 लोग रहते हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए एक दबाओ और सबसे छोटे से बात करने के लिए दो दबाओ। फिर से बात करनी है तो मैं तो कर ही रहा हूं, तो दिमाग से काम करना पड़ता है, नहीं तो फंस जाता मेरा 100 किलो का डब्बा।